नमस्कार दोस्तों, आपके सामने है फनु जैन। बहुत ही बेहोर बेशरम आदमी है, फोन तोड़वा के मेरे सामने बैठे हैं। क्या भैया, शर्म लगती तुम्हें? हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज अमन गोजरे एंड यू आर वॉचिंग टेक टॉक। गाइज, ये वीडियो कोई टेक रिलेटेड वीडियो नहीं होने वाली है। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कुछ यूट्यूब की कॉन्ट्रोवर्सीज के बारे में। दोस्तों, यूट्यूब पे कॉन्ट्रोवर्सी कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे हर दिन कोई ना कोई कॉन्ट्रोवर्सी चलती ही रहती है। कभी वो किसी यूट्यूबर के बीच में हो गई तो कभी वो किसी यूट्यूबर के बीच में हो गई। बट अब यहाँ पे एक नई कॉन्ट्रोवर्सी सामने निकल के आ रही है, जो कि यहाँ पे निकल के आ रही है टेक्निकल गुरुजी और टेक्निकल दोस्त के बीच में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो इनकी टक्कर है वो सामने सीधी सीधी दिख रही है, क्योंकि टेक्निकल दोस्त यहाँ पे काफ़ी टाइम से ट्रॉल कर रहे थे टेक्निकल गुरुजी को और मनु कुमार जैन को। एक्चुअली वो काफ़ी टाइम से जो है परेशान थे या गुस्से में थे, कह लीजिए, कि जो Redmi K20 और K20 Pro है उनका प्राइस कुछ ज़्यादा है। तो वो इस वजह से लेके Redmi से कुछ खफा खफा से चल रहे थे, जिसके को लेकर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वीडियो भी बनाई और उन वीडियोज़ में उन्होंने अपना गुस्सा भरपूर तौर पर ज़ाहिर किया। तो हाल ही की बात है, यहाँ पे आज ही टेक्निकल गुरुजी का एक इंटरव्यू निकल के सामने आया मनु कुमार जैन के साथ, जहाँ पे उनका 30-35 मिनट का लंबा एक वीडियो था, जहाँ पे वो मनु कुमार जैन के साथ पूरी तरह से इंटरव्यू कर रहे थे। और उन्होंने एक Redmi का K20 जो है उस डिवाइस का एक न्यू कलर भी लॉन्च किया दोनों ने मिल कर के, और काफ़ी ज़्यादा उनके बीच में बातचीत हुई इस फ़ोन को लेकर के। सो इसी इंटरव्यू को यहाँ पे टेक्निकल दोस्त ने ट्रॉल किया और यहाँ पे उन्होंने एक अपने साथ बंदा बिठा लिया, जिसको उन्होंने नाम दिया फनु कुमार जैन का। तो आपके सामने है फनु जैन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे वो फनु कुमार जैन तो बोल रहे थे। वीडियो के स्टार्टिंग में भी उन्होंने लिखा कि यह वीडियो केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है, कृपया इसे अपने दिल, गुर्दे और फेफड़ों पर ना लें। लेकिन यहाँ पे दोस्तों, ये वीडियो मजाक के तौर से ज़्यादा कुछ और निकल के सामने लग रही है। यहाँ पे कुछ पंगा होता डेफिनेटली लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि अगर हम टेक्निकल दोस्त और टेक्निकल गुरुजी का पास्ट देखें तो वो भी कुछ ठीक नहीं रहा है। यहाँ पे दोनों ने एक कोलैबोरेशन की थी, जहाँ पे टेक्निकल गुरुजी ने टेक्निकल दोस्त को जो है वो वीडियो डिलीट करने के लिए बोल दिया था। बाद में तो टेक्निकल दोस्त ने वो वीडियो जो है हटा दी थी। तो उसी टाइम से मुझे कुछ दोनों के बीच में चीज़ें ठीक नहीं लग रही, क्योंकि दोनों ने खुल के कुछ रीज़न नहीं बताया था कि उन्होंने वीडियो को क्यों हटाया। और इसके बाद अब ये वीडियो सामने आया है, जहाँ पे वो मनु कुमार जैन और टेक्निकल गुरुजी को सीधे सीधे टॉन्ट कर रहे हैं। हालांकि वो बोल रहे थे फनु कुमार जैन, लेकिन वहाँ पे 1.48 मिनट पे उनके मुंह से मनु कुमार जैन निकल गया। चल रहा है, हाँ भाई फनु जैन, तुम्हारे बीके नहीं है K20। जी हाँ दोस्तों, यही है सबसे बड़ी बात कि उनके मुंह से मनु कुमार जैन आखिर निकल ही गया। तो यहाँ पे एक कंट्रोवर्सी बहुत ही ज़्यादा पैदा होती है, क्योंकि उन्होंने सीधे सीधे यहाँ पे निशाना साधा है Redmi के ऊपर, मनु कुमार जैन के ऊपर। दोस्तों यहाँ पे चीज़ें मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही टेक्निकल दोस्त और Redmi के बीच में, क्योंकि उन्होंने अनबॉक्सिंग भी नहीं किया Redmi K20 या K20 Pro को, और उन्होंने सरेआम बोला कि ये ओवर प्राइस फ़ोन है, ये है या वो है। खैर, ओवर प्राइस वाले टॉपिक पे हम नहीं जाते हैं, हम यहाँ पे सिर्फ बात कर रहे हैं कंट्रोवर्सी की। तो वो हाँ, डेफिनेटली यहाँ पे कुछ गड़बड़ ज़रूर है। काफ़ी गुस्से में है टेक्निकल दोस्त यहाँ पे मनु कुमार जैन के साथ। काफ़ी ज़्यादा उन्होंने जो है Redmi की बजाई है एक तरह से, अगर मैं बोलूँ तो। भाई ये बात मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, यहाँ पे देखने वाली बात है, कुछ कंट्रोवर्सी यहाँ पे जरूर पैदा होगी। बेटा जैसे हरकत करी थी ना तूने, गंजे पिटना चाहिए था तुझे, टांट फोड़ दूंगा। सो गाइस, जहाँ तक मेरा ओपिनियन है, मुझे लगता है यहाँ पे कि टेक्निकल दोस्त थोड़ा ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो Redmi K20 Pro है वो इतना भी ज़्यादा ओवर प्राइस नहीं है। अगर मैं उसकी बात करूँ फीचर्स की, तो यहाँ पे OnePlus 7 Pro वाली सभी फ़ीचर्स आपको मिलती हैं, जबकि OnePlus 7 Pro आपको पड़ता है 53,000 का, और अगर मैं बात करूँ Redmi K20 Pro की तो वो आपको पड़ता है जस्ट 27,000 का। सो गाइस, हाफ से भी ज़्यादा कीमत है यहाँ पे OnePlus की, लेकिन Redmi आपको वही फ़ीचर्स 27 में प्रोवाइड करवा रहा है। तो यार मुझे नहीं समझ आता कि किस तरह से Redmi K20 जो है वो ओवर प्राइज है यहाँ पे। जहाँ तक गाइज मेरी समझ की बात आती है, मुझे लगता है कि यहाँ पे टेक्निकल दोस्त को Redmi ने जो है वो फ़ोन नहीं दिया, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से गुस्से में आए हुए हैं और उन्होंने ये वीडियो बना डाला जिसमें ये कंट्रोवर्सी पैदा हो गई। सो गाइज, अब देखते हैं कि आगे क्या बनता है इस कंट्रोवर्सी का। बस फिलहाल यही आपको एक न्यूज़ देनी थी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लेते हैं क्या, बाय।